नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। ये है हमारा जेनेक्स बजट स्पेशल, टैक्स चोर सावधान। ये हमारी टैक्स हेल्पलाइन है जिसके जरिए हम आपकी मदद करने जा रहे हैं। और हमारा कहना यही है कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनकी अब खैर नहीं। हम भी ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको समझाएं। दरअसल वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स चोरों पर नकेल कसते हुए उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया है। न केवल कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी है बल्कि टैक्स अधिकारियों को ज्यादा अधिकार भी दे दिए हैं। ब्लैक मनी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने बजट में जहां ईमानदारों का सम्मान बनाए रखने का वादा किया, वहीं टैक्स चोरों के लिए मुश्किल और बढ़ा दी है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए वित्त मंत्री ने टैक्स चोरों पर शिकंजा कसा है, जिन्होंने बिना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी चुकाए बिना 1 अक्टूबर 2004 से पहले अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। ऐसे लोगों को अब 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके साथ ही काले धन पर बनी एसआईटी की सिफारिश को मानते हुए सरकार ने 3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। बढ़ते डिजिटाइजेशन से सभी बड़े ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार ने सभी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कैश डोनेशन की सीमा 10,000 से घटाकर 2,000 कर दी है। टैक्स चोरों पर लगाम लगाने के लिए बजट में टैक्स अधिकारियों को और अधिकार दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2017 से धांधली का अंदेशा होने पर टैक्स अधिकारियों को अब तलाशी और जब्ती का अधिकार होगा। यहां तक कि टैक्स अधिकारियों को चैरिटेबल संस्थाओं के सर्वे का भी अधिकार होगा। खास बात यह है कि जांच और पूछताछ के लिए उन्हें हायर अथॉरिटी से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 2015-16 में टैक्स रिटर्न भरने वाले 3.7 करोड़ लोगों में से 99 लाख की इनकम 2.5 लाख से कम, 1.95 करोड़ की इनकम 2.5 से 5 लाख, 52 लाख की इनकम 5 से 10 लाख और केवल 24 लाख की इनकम 10 लाख से ज्यादा थी। इनमें भी 5 लाख से ज्यादा इनकम वाले 76 लाख लोगों में से 56 लाख सैलरी क्लास से हैं। 50 लाख से ज्यादा इनकम वाले देश में केवल 1.72 लाख लोग ही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में 1.25 करोड़ कारें बिकी, जबकि 2015 में विदेश यात्रा करने वाले 2 करोड़ लोग रहे हैं। आउट ऑफ 76 लाख इंडिविजुअल असेसी हु डिक्लेयर इनकम अबव 5 लाख, 56 लाख आर इन द सैलरीड क्लास। यानी 76 लाख लोग 5 लाख से अधिक इनकम डिस्क्लोज करते हैं साल की, जिसमें से 56 लाख वेतन भोगी हैं। दैट इन द लास्ट 5 ईयर्स मोर देन 1.25 करोड़ कार्स हैव बीन सोल्ड आइदर फॉर बिजनेस और टूरिज्म was 2 crores in the year 2015 to be made to clean the system of। इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने न केवल टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कदम उठाए बल्कि टैक्स चोरों पर नकेल कसने के लिए भी फैसले लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावधान रहने की अब आपको वाकई जरूरत है, लेकिन किन किन मायनों में अब आपको परेशानी हो सकती है आने वाले टाइम में अगर आप अभी नहीं चेते। और जो ईमानदार लोग हैं उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असीम चावला और साथ ही सुनील गर्ग जी हैं, दोनों टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ये एक हेल्पलाइन शो है तो आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। ट्विटर पर हमारे ट्विटर हैंडल पर @ZBusiness आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। FB पेज पर आप सवाल पोस्ट करके अपने तमाम टैक्स क्वेरीज भेज सकते हैं। और यही वो तरीका है जिससे कि आप समझ पाए कि आखिरकार आपके ऐसी कौन सी टैक्स की दिक्कतें हैं वो दूर होने जा रही है। लेकिन वाकई हम ये क्यों कह रहे हैं कि आखिरकार टैक्स चोर सावधान, क्योंकि वित्त मंत्री ने खुद संसद में टैक्स चोरों पर हमला करते हुए कहा था, एंड आई कोट, कि भारत में टैक्स चोरी एक जीवन पद्धति बन चुकी है और हम मोटे तौर पर टैक्स ना देने वाला समाज है। बहुत सारे लोग टैक्स चुकाते हैं जिसका खामियाजा ईमानदार लोगों को भुगतना पड़ता है। और सुनील जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि खुद वित्त मंत्री भी परेशान हो गए कि 125 करोड़ लोगों की जो देश है उससे अधिक जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 3.7 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। इसलिए तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं जो लाए गए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लाया गया है वो ये है कि टैक्स अधिकारियों को अब एक बड़ा अधिकार मिलेगा, मतलब
10 साल पुराने मामलों की दोबारा जांच कर पाएंगे टैक्स अधिकारी। वहीं 3 लाख से ज्यादा टैक्स ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। बिना एसटीटी चुकाए खरीदे गए शेयर है तो कैपिटल गेन्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 1 अक्टूबर 2004 से पहले अनलिस्टेड कंपनियों में किया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर कैश जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उस पर भी नकेल कसी गई है, सीमा घटा दी गई है। तमाम जो प्रोविजंस लाए गए हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि अब जो टैक्स चोरी करते हैं उनकी अब खैर नहीं, आप मानते हैं? देखिए स्वाति जी, पिछले एक साल से सरकार इस पर बड़ी एक्टिव हुई है। IDS में हमने देखा था, PMLA हमने देखा था, ब्लैक मनी एक्ट हमने देखा था, और इस बार जो नोटिस आप भेजे गए हैं असेसिंग ऑफ इनको असेसीज को, उसमें उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को भी साथ में लिया है, जिसमें बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। जहाँ तक सवाल है ITOs को पावर देने का, उसमें मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ वित्त मंत्री जी से कि आप ITOs को इतनी पावर अगर दे देंगे। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास में कंप्लाइंसेज बढ़ रहे हैं, हमारे पास 90% टैक्स जो आ रहा है वो TDS के थ्रू आ रहा है, और दूसरी तरफ आप पावर दिए जा रहे हैं और हरेसमेंट की पावर, उसमें पावर्स का मिसयूज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए आप कंप्लाइंसेज को बढ़ाइए, आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पावर ज़्यादा देकर आप इंस्पेक्टर राज ही बनाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इतना लिटिगेशन में मैटर्स हैं, इतना डिस्प्यूट्स में मैटर पड़े हुए हैं, वो तो आपसे सोल्व हो नहीं रहे हैं। आप और पावर देंगे और डिस्प्यूट पैदा होंगे, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जहाँ तक सवाल है कंप्लाइंसेज का, ये मैं मानता हूँ कि कंप्लाइंसेज बढ़ने चाहिए, और सरकार कंप्लाइंसेज बढ़ाने के लिए नए नए टैक्सेस देने प्रोविजंस ला रही है। जैसे एक प्रोविजन आ गया, आप 3 लाख रुपये तक अगर आप कैश में पे करते हैं तो आपको 269 में एक नया प्रोविजन आ गया है कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ को पेनल्टी लग जाएगी। ये उनके लिए है जो लोग कैश में शादियों में जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, जो कैश में ज्वेलरी खरीद रहे थे, उनके लिए ये प्रोविजंस आ गए हैं। दूसरा, वित्त मंत्री जी ने इस पर एक नया प्रोविजन डाल दिया है कि अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं, अभी तक आपको 1 साल का टाइम मिला करता था, बल्कि 2 साल का टाइम मिला करता था, अब यह है कि अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं, 31 जुलाई जैसे आपकी ड्यू डेट है सैलरी के लिए, बाकी के लिए 31 सितंबर है, तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और 30 दिसंबर तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। दूसरा, आपने सवाल पूछा था 1/10/2004 से पहले STT के बिना अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो उस पर आपको टैक्स लगाने की बात है। इसमें बड़ी एम्बिग्यूटी है इस प्रोविजन को लेकर, क्योंकि आप अभी तक क्या प्रोविजन था कि अगर आपने कोई शेयर्स परचेज किए हैं और आप उसको होल्ड करते हैं 1 साल तक लिस्टेड शेयर को, और अगर अनलिस्टेड शेयर 2 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात ही आपकी, लेकिन पीछे क्या हुआ कि पेनी स्टॉक की बहुत सारी कंपनियां आई जिसमें लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया। डिपार्टमेंट कहता है कि ये सब पेनी स्टॉक्स थे, आप इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन इसकी आड़ में क्या हुआ कि जिन पी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा था 1/10/2004 से पहले, अब उनके लिए मुसीबत का समय आ जाएगा कि जो कंपनियां पी इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है अगर वो लिस्ट होकर बाहर होना चाहेंगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% होगा, शॉर्ट टर्म पे 15% होगा। तो ये एम्बिग्यूटी है, इसको ठीक करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। जी कुछ अब क्योंकि अब ये ऐलान भी हुआ कि 1 अप्रैल 2017 से गार आ जाएगा। जैसे सुनील गर्ग जी आप भी कह रहे हैं कि टैक्स अधिकारियों को जो बड़ा अधिकार मिला है उससे हो सकता है इसका मिसयूज पावर हो, क्या सरकार यहाँ पर लोगों को डराकर टैक्स वसूलने की कोशिश करे कि वाकई टैक्स चोरों को ये समझाया जा रहा है कि टैक्स चोरी एक बहुत बड़ा गुनाह है, वो करने की जरूरत नहीं है? और इस पर असीम चावला आपका टेक लेना चाहेंगे। देखिए स्वाति, डरा के आप इनकम टैक्स कलेक्ट शायद कर सकते हैं, बट वो जो पद्धति वाली बात है कि भाई ऐसा एक माहौल पैदा हो, एक देश में ऐसा रुझान हो कि टैक्स देने वाला गर्वान्वित महसूस करे और एक जनरल कल्चरल फीलिंग ऐसी आए कि इट इज़ दैट वी आर फीलिंग प्राउड टू बी टैक्स पेयर, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी टैक्स पॉलिसी अगर आप पिछले 20 साल की देखें, चाहे पिछले गवर्नमेंट का देखें या इस गवर्नमेंट का देखें, टैक्स पॉलिसी में कोई ऐसे फेरबदल नहीं हुए जहाँ पर टैक्स कंप्लायंस को इनकरेज किया गया हो यहाँ, या जहाँ पर इंसेंटिव टू पे टैक्स हो। अगर मान लीजिए मैं 100 रुपये टैक्स देता हूँ और अगले साल मैं 110 रुपये टैक्स देता हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसी पे ही एक हमारे को लीनियंसी तरह से देखनी चाहिए कि ही इज़ अ गुड टैक्स पेयर, ये एक अच्छा करदाता है। आपने टैक्स फाइलर्स तो बहुत सारे ऐड किए, टैक्स पेयर्स ऐड नहीं किए। अभी आपने जो आंकड़ा बताया 3.7 करोड़ का, उसमें 1,70,00,000 तो टैक्स फाइलर्स हैं, टैक्स पेयर्स नहीं हैं। पिछले 2 साल में आपने 76,00,000 टैक्स फाइलर्स ऐड किए, वो शायद टैक्स पेयर्स भी नहीं है। अब आप इसको पूरे ओवरऑल मैकेनिज्म से देखें तो आई थिंक अब गवर्नमेंट को ये एहसास होता है जी, कि या तो आप कैशलेस रूट अपनाइए अपना टैक्स बेस बढ़ाने का,
या आप रिट्रीब्यूशन या डिटरेंस जिसे हम कहते हैं कि डरा के कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो 1 नवंबर से हमने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया। और बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। राइट। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जो 1 नवंबर से जिसमें खूब फेरबदल किए गए हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक सोफिस्टिकेटेड लेजिस्लेशन है, उसमें इनकम टैक्स एक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है। हालांकि जो ब्लैक मनी एक्ट था वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस है। तो इस सब चीज़ों को अगर आप इकट्ठे करके एक इसको एक कोलिजियल तरीके से देखें तो सरकार की टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए स्ट्रेटजी की यहाँ पर बात हुई है, इस पे जी जी और भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये टैक्स हेल्पलाइन शो है, इसलिए हम लोगों की भी राय उनके क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। और सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ कॉलर बाराबंकी से सचिन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सचिन जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछे क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मुझे दो सवाल है मैम। तो एक तो ये है कि टैक्स से रिलेटेड ये सवाल है कि जैसे मैं नौकरी पेशा हूँ, ठीक है मैम, तो जैसे मुझको जो पैसा जो लास्ट ईयर का जैसे मिला हुआ है तो वो जैसे मेरा इस ईयर की इनकम में जैसे वो लेट मिला हुआ है मुझको सैलरी का, तो क्या इस बार की सैलरी में जैसे जुड़ जाएगा? ठीक है, तो वो अगर 5 लाख के ऊपर हो रहा है मैम तो मेरा ये 20% में जुड़ेगा या 5%? ठीक है, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि मैम जो आपके जनधन के खाते थे मान लीजिए, ठीक है, तो उनमें जिन्होंने जो थोड़ा बहुत जिनका रियल पैसा है, ठीक है, ब्लैक मनी नहीं है सपोज जाए, उन्होंने अगर अपना पैसा उसमें जमा किया है 20,000-40,000 जो भी, तो उस पे रोक लगी हुई है, तो वो अकाउंट कब तक एक्टिवेट होंगे, कोई जानकारी है विभाग की? ठीक है सुनील जी, इनका इनके क्वेरी का आंसर बताइए। नहीं, आपके सवाल का पहला जो पार्ट है उस पे आपने लिखा है कि आपको टैक्स आपको जो पैसा मिला है वो इस साल मिला है। देखिए सैलरी जो टैक्सेबल होती है वो ड्यू बेसिस या रिसीट जो भी अर्लियर होता है उस पर होती है। अगर आपको सैलरी लास्ट ईयर ड्यू हो गई होगी तो आपके एम्प्लॉयर ने उस पर टैक्स काट लिया होगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा आपको सैलरी के स्लैब में जा रहे हैं तो आपको 20% का स्लैब ही देना पड़ेगा उसमें, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जहाँ तक सवाल जनधन अकाउंट को लेकर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि उसमें कितनी विड्रॉल्स या कितनी अलाउड हैं, और अगर आपके पास में सोर्स डिक्लेयर है तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो 24,000 रुपये निकाल रहे हैं या 24,000 की लिमिट है वो निकाल रहे हैं तो उसको देते रहेंगे, और जैसे ही वो गाइडलाइंस आएंगे वो खोल देंगे। जैसे करंट अकाउंट इन्होंने लिमिट हटा दी है तो हो सकता है सेविंग लिमिट हटाते हैं। तो बेसिकली जिनको उनको डरने की जरूरत नहीं है, जिनके पास ब्लैक मनी है डिक्लेयर करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आपको परेशान होने की डरने की जरूरत है जिन्होंने किसी और का पैसा अपने जनधन अकाउंट में जमा करवाया। मतलब तभी तो हम कह रहे हैं टैक्स चोर हो जाए, सावधान।